हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ लुक बुक। एंड बहुत सारे हॉल्स वीडियो मैं आपको दिखाई हूँ, बट इस टाइम मैं आपके साथ लुक बुक शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एंड ये फेस्टिव सीरीज पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 में बना चुकी हूँ ईद पे एंड राखी पे, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। सो एक बार वो आप ज़रूर से चेक कर लें। एंड पार्ट 3 में मैं बना रही हूँ तीज लुक बुक। एंड तीज बहुत जलाने वाली है, सो मैंने सोचा क्यों ना तीज लुक बुक ही क्रिएट करते हैं। आपकी रिक्वेस्ट भी आई थी कि तीज पे आप कुछ देखना चाहते हो। तो ये तीज स्पेशल वीडियो है जिसपे मैं आपको साड़ीज लुक बुक दिखाने वाली हूँ, एंड जो कि बहुत ही अच्छे साड़ीज मैंने आज वेयर करे हैं, विच इज फ्रॉम द ब्रांड जुलाहा, एंड जिसकी ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा है। और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑसम कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको ये साड़ीज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मिलेगी, जो कि पैन इंडिया अवेलेबल है ऑल स्टोर्स में। एंड वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो वो आप एक बार चेक कर ले। एंड जितने भी सुबह बारिश हो रही है, बादल बहुत गरज रही है, सो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम होगा। एंड जितने भी इयर रिंग्स मैंने पहने हैं, ब्लाउजेस पहने हैं, सो जितनी भी पॉसिबल लिंक्स है जो मैंने ऑनलाइन खरीदी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो एक बार चेक कर ले। मैं बात करती हूँ जुलाहा ब्रांड की। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में साड़ीज उनकी आती है, जो कि मेरे घर में मेरे मम को बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ इस तरीके से साड़ी ये पैक करके मिलती है, जो कि इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा हेवी साड़ीज पहनना पसंद नहीं है, मुझे बहुत लाइट वेट साड़ी कैरी करना पसंद है। सो ये जितनी भी साड़ीज मैं आपको दिखाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, देखने बहुत हेवी लगेगी बट पहनने में आपको बहुत ही गर्ली वाली फीलिंग देगी, ईजिली आप कैरी कर सकते हो। सो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप जब भी जाएँ ऑफलाइन चेक करें, तो आप एक बार ज़रूर जुलाहा ब्रांड चेक करें। अपार्ट फ्रॉम पैकेजिंग एंड ऑल, द बेस्ट थिंग इस ब्रांड की है कि इसकी जो लुक है एंड जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट फ्रॉम द ब्रांड जुलाहा, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आज मैं आपके साथ चार साड़ी शेयर करने वाली हूँ, एंड आप खुद देखें एंड बताएं कि आपको ये साड़ीज़ कैसे लगी। सो यहाँ पे मैं कोई लिंक नहीं दे पाऊंगी आपको, क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन ली है। सो वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप चेक कर लें। एंड आपको अगर ये पसंद आए तो आप ऑफलाइन जाके चेक कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं कि आप जुलाहा ब्रांड आपके सिटी में किस स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड लिंक तो मैं वेबसाइट पे दे रही हूँ, सो वहाँ भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर से बताना कि कौन सी लुक आज आपको अच्छी लगी। एंड नाउ विदाउट एवर डू, लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो। सो फर्स्ट लुक जो मैंने क्रिएट किया है वो मेरी पर्सनल फेवरेट लुक है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन की ब्लू, टील ब्लू एंड ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। इसके साथ ब्लाउज मैंने इंडिया ब्रांड का डाला है, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड इस पर बहुत ही सिंपल तरीके से पल्लू डाला है मैंने, लाइक पीछे से आकर एक शोल्डर पर पिन लगा के सामने पल्लू रखा है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड यहाँ पे मैंने जो गजरा डाला है वो मीशो से लिया है मैंने, लिंक तो मीशो का नहीं दे पाऊंगी बट कोड में ज़रूर दे दूंगी। एंड ज्वेलरी जावेरी से है, लिंक मिलती है तो मैं 100% डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये साड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही शाइनी काइंड ऑफ साड़ी है, एंड इसका डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पहले पसंद नहीं आई थी, बट पहनने के बाद ये बहुत ज्यादा ऑसम लग रही है। एंड ये साड़ी इतना लाइट वेट है, और इस तरीके से पल्लू लेने के बाद और मुझे इतना ज्यादा लाइट वेट फील हो रहा है कि मैं पूरा दिन इसे पहन सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ बहुत भारी पहना, क्योंकि देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है कि हाँ बहुत हेवी साड़ी है, बट पहनने पर बहुत ज्यादा लाइट वेट है। एंड 2-3 मिनट में मैंने ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर लिया, इतना इजी है गाइज, आपको बस एक जूड़ा डालना है, उसे पिन अप करना है और ये गजरा डाल देना, लुक क्रिएट हो जाएगा। सो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसी लगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम लगी, तो ये कॉम्बिनेशन आप ज़रूर ट्राई कर सकते
सेकेंड लुक जो मैंने ये क्रिएट किया है वो बहुत ही दुल्हन काइंड ऑफ लुक है, जो कि 30 के लिए परफेक्ट है. मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया ये पहनकर. तो यहाँ पे गाजरी कलर की साड़ी मैंने पहनी है, जिसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ब्लू, स्काई ब्लू एंड रॉयल ब्लू. एंड जो साड़ी का पल्लू है वो बहुत ज़्यादा शाइनी काइंड ऑफ है, गोल्डन वर्क बना हुआ है ब्लू पे, बहुत ऑसम लग रही है. एंड ये भी पहनने पर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, देखने में बहुत हेवी लग रही है. आर्ट सिल्क इसका मटेरियल है, जो कि सिल्क काइंड ऑफ फीलिंग आपको देगी. ब्लाउज मैंने जो वेयर करा है वो इंडिया ब्रांड से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ज्वेलरी भी जावेरी पोल्स मिंत्रा से है. एंड ये जो नथ मैंने डाला है वो भी मिंत्रा से है. एंड यहाँ पे मैंने गजरा डाला है वो मिशो से, सेम गजरा मैंने डाला है. इसका कोड आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड अगेन ये साड़ी पहनकर बहुत ही लाइट वेट आपको फील होगा. एंड बेस्ट पार्ट है कि ये इतना ज़्यादा हेवी लुक दे रहा है कि आप कोई भी वेडिंग पार्टी में भी आराम से पहन सकते हैं. तो ये लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताना. मैंने ये बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट लुक रखा है. एंड यहाँ पे मैंने ओपन हील्स रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे. एंड यहाँ पे डुअल कलर की कॉम्बिनेशन मैंने पहनी है, जो कि बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन ये है. एक टाइम पे ये कलर बहुत चलती थी एंड ये फिर से इन है, बहुत ज़्यादा फैशन में है. एंड यहाँ पे साड़ी की जो बॉर्डर है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ब्रॉड है. एंड उस पर जो कलर्स दिए हुए हैं वो बहुत ऑसम लग रही है. एंड सेम ब्लाउज मैंने इस पर वेयर करा है, लिंक आपको जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एक बिंदी लगाई है एंड ज्वेलरी पहनी है. सो ज्वेलरी जावेरी पोल से है, लिंक अगर मुझे मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बस इस तरह के आप कोई भी ज्वेलरी डाल सकते हैं. यहाँ पे मैंने सिंपल बैंगल्स डाला है, बट आप ब्लू कलर का बैंगल्स डालोगे तो ये और अच्छी लगेगी. मेरे पास अभी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला है. एंड ये साड़ी आप देख सकते हैं कि देखने में अगेन बहुत हेवी लग रही है, कॉटन सिल्क मटेरियल है, बट पहनने में ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. मुझे इस तरीके की साड़ियाँ ज़्यादा पहनना पसंद नहीं है, बट मैं इसे दिन भर कैरी कर सकती हूँ, इतना लाइट वेट और कम्फर्टेबल है. तो सिंपल रखा है पल्लू भी मैंने इस पर. एंड इस पर हेवी पल्लू बनी हुई है, जो बहुत सुंदर लग रही है कॉम्बिनेशन. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी. सो लास्ट मेरी ये लुक है, जो सेम मैंने ओपन हेयर्स रखे हैं. एंड यहाँ पे मैंने सेम ब्लाउज डाला है, जो कि ब्लाउज बहुत ज़्यादा गर्लिश एंड स्टाइलिश लुक दे रही है. यहाँ पे येलो कलर की साड़ी है एंड पिंक रेड कॉम्बिनेशन है. सो ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लग रही है. एंड बहुत सारे बैंगल्स मैंने डाला है, जो कि तीज के लिए परफेक्ट है. एंड ज्वेलरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप पल्लू बहुत सारे स्टाइल करके भी इस पर ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे सिंपल पिन लगाकर थोड़ा शॉर्ट पल्लू रखा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे देख सकते हैं साड़ी की पल्लू जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. कलर कॉम्बिनेशन भर भर के दिया हुआ है, जो बहुत ऑसम लग रही है. एंड किसी भी हल्दी पार्टी के लिए परफेक्ट है एंड किसी वेडिंग पार्टी के लिए भी परफेक्ट है. सो इस तरीके की साड़ी आप तीज में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी. एंड अगेन आर्ट सिल्क मटेरियल है, जो कि सिल्क काइंड ऑफ फीलिंग दे रही है एंड बहुत शाइनी. एंड ये साड़ी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है, लाइक बहुत ज़्यादा एक मुट्ठी भर साड़ी है, जो पहन के बहुत कंफर्टेबल लग रही है. सो मुझे ये बहुत पसंद आई एंड लुक क्रिएट करके भी मुझे बहुत मज़ा आया. बट गाइस आप ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी लुक अच्छी लगी.
पसंद आई, देख भी रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो। एंड ये जो 10 मिनट की वीडियो देखते हो ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं नेचुरल लाइट पे वीडियो शूट करती हूँ, टेरेस पे करती हूँ, दो फ्लोर ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे आना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, सो बहुत मेहनत लगती है गाइस। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। एंड बारिश हो रही है बहुत, बैक में हल्ला हो रहा है, सो अब मैं वीडियो एंड करती हूँ एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। बाय गाइज़।